نحمده ونستسري ونستسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من النار فضلا كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين मेरे लिए इंतहाई काबिल कदर माज़ज़ हाज़रीन सामईन उलमाए ज़िम्मेदार बिलख़ुसूस मेज़बानान महफ़िल इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने उन तमाम दोस्त अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज की इस बारौनक महफिल का इनेकाद किया। बिलखसूस मोहतरम जुबैर शाहिद साहब और उनके दीगर जुमला ऐसा कारग दोस्त अहबाब और अहले मोहल्ला, इतनी खुशी की बात है कि आज इस दारा में हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। यकीनन इस महफिल को जब आप लोगों ने तरतीब दिया है तो इस महफिल में इसकी कुछ टाइमिंग, इसमें लोगों की दावत, सबका लिहाज और ख्याल रखा गया है और जिस जो जिस मकसद के लिए बुलाया जाए वो अगर उसी पर गुफ्तगू करे तो वक्त भी कम लगता है और महफिल भी अपने वक्त के अंदर अंदर इख्तिताम पसीर होती है। मैंने इसलिए अपने भाई से ये गुजारिश की कि आप ना के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और गुफ्तगू के लिए जिन लोगों को दावत दी गई है वो गुफ्तगू करें ताकि वक्त के अंदर ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचे। शायद मेरे भाई थोड़ा सा फील कर रहे हैं तो इसलिए मैं उनसे वादा चाहूंगा क्योंकि वो हमारे मेहमान भी हैं। बेशक मेरा भी यहाँ पे आना मेहमान के तौर पर होता है लेकिन फिर भी ये मेरा अपना गांव है और मैं मेजबान की हैसियत से भी हूँ और मेहमान की हैसियत से भी हूँ। और कुछ दोस्त अहबाब इस महफिल में बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि साथ में रह के हर बंदे की अपनी बहुत सारी खसूसियात होती है जिनमें से वक्त निकाल के इंसान लाना होता है तो मुझे शायद रात को भी सफर करके वापस भी जाना पड़े। जुबैर भाई हमारे इंतहाई प्यारे भाई हैं, इतनी में भी मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे दिल की गहराइयों से खुशी हुई कि ये हमारे जो दोस्त हैं दियारे गैर हैं। बेशक रोजगार के सिलसिले में गए हैं लेकिन रोजगार के साथ साथ ना अपने वतन को भूले हैं ना अपने दीन को भूले हैं बल्कि यहां से कई गुना बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोहब्बत और गुलामी में पेश पेश दिखाई दी है। इतने दिन भी मुझे इनके इलाके में रहने का मौका मिला तो वहां मेरे साथ रहे तमाम प्रोग्राम्स में तमाम महाफिल में तो ये चीज देखकर बहुत दिल में खुशी हुई है कि जो शायद यहां पर इतनी मुनीमत न थी जो तेरे गैर में अल्लाह ताला ने अता फरमाई दुआ है कि बारी ताला हमेशा हमेशा के लिए नेमतें इन सब अहबाब को अता फरमाए।
कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें बारी तआला ने इरशाद फरमाया, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا। बारी तआला ने अपने महबूब अलैहि सलातो सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ नबी, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो कि बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए उनके रब ने बहुत बड़ा फजल तैयार करके रखा है। दो चीजों का बारी तआला ने इस आयत मुकद्दसा के अंदर जिक्र फरमाया। सबसे पहली चीज जिसका जिक्र फरमाया वो है वबशिरुल मोमिनीन, कि ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। किन के लिए खुशखबरी है? ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। किस चीज की खुशखबरी है? कि बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, उनके लिए उनके रब ने बहुत बड़ा फजल तैयार करके रखा है। दो चीजों का जिक्र फरमाया। अब दोनों चीजें समझने और जानने वाली हैं। मैं इनका मफहूम बयान करने से पहले एक चीज ईमान की जगह के लिए बयान करना चाहता हूं, वो ये कि आज इस दारा में ये पहली महफिल नात हो रही है और दुआ है कि हर साल ये महफिल नात होती रहे और आपको ये तौफीक मिलती रहे। याद रखिए कि जिस जगह पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है उस जगह से भी अल्लाह तैयार करता है, और जो लोग जिक्र करते हैं उन लोगों को भी बारी ताला मुकाम मर्तबा और कदर मंजिलत की नेमत अता फरमाता है। और जिस जन्म है और जिस वक्त अल्लाह के महबूब का जिक्र किया जाता है वो लम्हा और वो वक्त भी अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल होता है। आप भी कुरान मजीद को उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बारी तआला ने जिक्र फरमाया, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। कि जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की घर की बुनियादें बना दी, अल्लाह का घर तामीर हो चुका बन गया, तो मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं जब अल्लाह का घर बन गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। आप सारा किताब बोल रहे थे, आपके बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद किराम को तो रोते हुए देखा तो पूछा, अब्बाजान क्या माजरा है कि हमने अल्लाह का घर बनाया, नेकी का काम किया, अच्छा काम किया, अब अच्छा काम और नेकी का काम करने के बाद तो बंदे के पास खुशियां होनी चाहिए, बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन ये अजीब माजरा है कि आप रो रहे हैं। तो उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रो कर कहा, बेटा हमने अल्लाह का घर तो बना दिया है, लेकिन मैं ये सोच सोच के रोता हूं कि इस घर को आबाद कौन करेगा, इस घर को आबाद कौन करेगा, क्योंकि मैंने ऐसी जगह पे घर बनाया है जिसे कुरान मजीद ने फरमाया, ऐसी वादी जहां पे ज़राअत नहीं है, जहां पे पानी नहीं है, जहां पे आबादी नहीं है, जहां पे रिहायश नहीं है, लिहाजा उस जगह पे अल्लाह का घर बना, उस घर को आबाद करने की जो बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, अफजारों के बाद रोने लगे। हाल की कायनात ने देखा कि खलील मेरा है, खलील मेरा है, और इसकी आंखों में आंसू है और चाहता भी ये है कि मेरे घर को आबाद करे। उसी वक्त रब्बे कायनात ने अपने खलील के दिल में ये इनकार कर दिया कि ऐ मेरे खलील, अगर चाहते हो कि ये घर आबाद हो जाए तो इस घर में मेरे हबीब का जिक्र करो, मेरे हबीब का जिक्र करो। बस दिल में जो ख्याल आया,
आपने बेटे इस्माइल